ओके वेलकम बैक। ये तो पहला आप एक लैक्चर पढ़िया सगा लीनियर रिग्रेशन का। जो तुम लैक्चर नहीं देखा हुआ है तो पहले वो लैक्चर देख लो, क्योंकि वो जो कॉन्सैप्ट है उन्होंने आप लैके अगे मूव करांगे। तो अच्छा जी लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ लगभग सेम ही है जिदा लीनियर रिग्रेशन आ, बस ये फर्क इन्ना है कि जो लीनियर रिग्रेशन से वो जी आउटपुट से कॉन्टीन्यूस ना, फॉर ईच इनपुट एक्स वी हैड डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई। लेकिन जी लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये जी वाई की वैल्यू आ वो लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस होएगी, नॉर्मली जस्ट टू क्लासेस होनगियां, ट्रू फॉल्स, पॉजिटिव नेगेटिव, यस यस या नो। तो इन दो क्लासेस को अपन जीरो या वन रिप्रजेंट करांगे, जिदा अपना टेबल बनया हुआ ना कि एक्स की वैल्यू जिनी मर्जी हो सकती हैं, लेकिन जी वाई आ जीरो होएगा या वन होएगा। बेसिकली आप शो कर रहे हैं कि नैगेटिव नंबर कि पॉजिटिव नंबर कि नैगेटिव नंबर आप जीरो शो कर रहे हैं तो पॉजिटिव आप वन शो कर रहे हैं। तो इस लैक्चर में आप जस्ट बाइनरी क्लासीफिकेशन देखा यूजिंग द मॉडल ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अच्छा पहले जो आप डिस्कस किया लीनियर रिग्रेशन का फॉर्म मॉडल उस अपने को आह इक्वेशन से आउटपुट वास्ते ना कि आप इनपुट नू मल्टीप्लाई करते सके एक्स इनपुट एक्स आई टी ना उन्होंने मल्टीप्लाई करते थीटा वन के नाल तो प्लस करते थीटा नॉट, यानी कि वही इक्वेशन से एम एक्स प्लस सी एल लाइन इक्वेशन से, यानी जस्ट लाइन इक्वेशन आप लीनियर रिग्रेशन कह लो कि यूज करते बस सिर्फ लाइन इक्वेशन से। अच्छा बिकॉज नाउ वी हैव टू have the output just in binary scenarios 0 or 1, so इतने अपन एक sigmoid का function add करते हैं, जिधर sigmoid का function होएगा वो output नो scale down कर दूँगा between the range of 0 and 1, तो मतलब कि जितनी मर्जी value होगे वो 0 से 1 ची convert हो जाएगी। ये sigmoid का function का plot बनाया हुआ है कि अगर let's say तुम sigmoid of z लेते हैं, अगर z जेड़ा हैगा वो जीरो आ तो सिग्मॉइड पॉइंट फाइव होगा, जी वध जाएगा तो सिग्मॉइड जी वधेगा लेकिन मैक्सीमम जो भी बंद कर जाएगा तो वो तो ऊपर नहीं जा सकता। यदि अगर जी घट जाएगा सिग्मॉइड भी घटेगा लेकिन मैक्सीमम वैल्यू जी हैगी जीरो होगी, जीरो तो घटेगा नहीं। यानी कह लो मैक्सीमम जो जी वैल्यू होगी इनफिनिटी हो सकती है, तो इनफिनिटी वास्ते भी सिग्मॉइड वन है, माइनस इनफिनिटी वास्ते सिग्मॉइड जीरो आ, विल ऑलवेज स्टे बिटवीन जीरो एंड वन। तो आइडिया ये आ कि अगर सिग्मॉइड ऑफ जी इज इक्वल टू पॉइंट फाइव या तो ज़्यादा होएगा तो आप कहेंगे कि उन्होंने पॉजिटिव एक्सैप्ट कर लेंगे, वन एक्सैप्ट कर लेंगे, जो पॉइंट फाइव से छोटा होएगा आप जीरो अज्यूम कर लेंगे। अच्छा बाकी जिदा पहले आप देखा सगा इन लीनियर रिग्रेशन कि आप पहले कॉस्ट कंप्यूट करते हैं, कॉस्ट कंप्यूट करने के बाद आप कॉस्ट फंक्शन का डेरीवेटिव लेते हैं विद रिस्पैक्ट टू थीटा, फिर आप थीटा को अपडेट करते हैं। तो इतने भी आप कॉस्ट कंप्यूट करेंगे बट इतने जो कॉस्ट फंक्शन है इट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस कॉस्ट फंक्शन, हियर वी आर गोइंग टू यूज दिस कॉस्ट फंक्शन। अच्छा पहले आप मीन स्क्वेयर्ड एरर आला कॉस्ट फंक्शन यूज किया था, क्या कॉस्ट फंक्शन है, बट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस कॉस्ट फंक्शन फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आप आह कॉस्ट फंक्शन यूज करेंगे रीजन की है, रीजन यह है कि अगर आप फंक्शन यूज करते हैं फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन इन प्लॉट करते हैं एरर विद रिस्पैक्ट टू थीटा तो अपने को नॉन कन्वैक्स एक ग्राफ बनता। नॉन कन्वैक्स ग्राफ का मसला यह हों कि सम टाइम मिनिमम ग्लोबल मिनिमम तुसी नहीं फाइंड कर सकते, मतलब अगर तुसी इत्थे हो ना तुसी आई साइड थले जाओगे जाओगे इत्थे आके तुसी कहोगे तो थीटा तुसी बढ़ाउण लग पोगे, जो इत्थे आओगे तुसी कहोगे थीटा रहेगा एस पॉइंट ते एरर मिनिमम में कहोगे तो अगे फिर एरर बदल लग पैंदा ना, तुसी थीटा नूं इत्थे रोक दोगे। हालांकि यू नो कि दिस इज नॉट द एक्चुअल ग्लोबल मिनिमम, इस लोकल मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम आ हैगा। अगर लकली तुसी इत्थों स्टार्ट करोगे फिर तुसी इत्थे पहुँचोगे, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज द केस, समटाइम्स ही थोड़ा बैड लक होगा इतों शुरू करोगे तो सीधा जगह जाके कन्वर्ज कर जाओगे। इस वास्ते वी ऑलवेज नीड
कॉस्ट फंक्शन दैट इज द कन्वेक्स फॉर द गिवन सिनेरियो. सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन दे सिनेरियो वास्ते जिहड़ा आ कॉस्ट फंक्शन है ए कन्वेक्स हैगा, इस तरह प्लॉट होएगा. तुसी हमेशा कन्वर्ज करके इतनी पहुँचोगे पहुँचोगे क्योंकि इतने अपने को मल्टीपल लोकल मिनिमम नहीं है, एक ही ग्लोबल मिनिमम हैगा. तो दिस इज द रैशनल बिहाइंड यूजिंग दिस कॉस्ट फंक्शन. बाकी आप प्लॉट करके हले मैं तुम्हें नहीं दिखा रहा, तुम खुद ही प्लॉट करके देख सकते हो. आप हम ये देखते हैं कि ये फंक्शन ड्राइव किता किता, ये पिछले मैथ की है. लो जी आप जरा ड्राइव करते हैं इस फंक्शन को. इन ड्राइव करने वास्ते आप एक स्टैटिस्टिक्स की एक कॉन्सैप्ट है मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन, वो यूज करते हैं. वो है कि वो इदा कि देखो ना, अगर आपको पता है कि जी एक्चुअल वैल्यू है वाई की वो वन है, अगर एक्स वैल्यू वन है तो आप एच में की करोगे, एच में आप वधाने की कोशिश करोगे ना, एक्स एच में मैक्सीमाइज करने की कोशिश करोगे. वी विल मैक्सीमाइज एच, क्योंकि एच मैक्सिमम वन हो सकता है ना, तो आप एच में मैक्सीमाइज करने की कोशिश करेंगे. उस हिसाब से आप थीटा को एडजस्ट करेंगे. अच्छा, अगर एक्चुअल वैल्यू वाई की हैगी है जीरो, फिर आप करेंगे आप वन माइनस एच करके अगेन आप हम एच में वधाने की कोशिश करेंगे. और जो एच वधूगा तो ओवरऑल जी इक्वेशन है ना वो घटूगी ना. अगर एच वन हो जूगा तो वन माइनस एच जो जीरो हो जूगा ना, तो वो जीरो इज इक्वल दिस वाई. तो इन बो अगर आ पहला केस है तो फिर आप इस तरह एच में दौड़ की कोशिश करा, अगर आ केस है तो आप इस ये एच में दौड़ की कोशिश करा. यह सारा जी ये पिछले लॉजिक है. अच्छा हूँ ये दो क्वेश्चन अपने को अलग अलग बन गई ना, इन दो क्वेश्चन को आप एक कट्ठे भी कर सकते हैं. वो तुम इदा कह लो कि मैं क्या कि दो का लिया प्रोडक्ट लिया, तो इनू मैं यदि पावर ली वाई दे नाल, तो यदि पावर ली मैं वन माइनस वाई एस टू पावर वन माइनस वाई, ये हो गया जी. ये भी देखो हम दोबारा इस क्वेश्चन अगर डिस्कस कर स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस सिनेरियो, अगर वाई वन हो गया, वाई वन है तो आ वन हो गया, अपने को लैच रह गया, तो इतने वाई वन हो गया तो आ सारा हो गया जीरो, दोबारा जीरो हो गया तो आ सारा एनीथिंग रेज़ टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो आ सारा अपने को वन हो गया इन्ना पोर्शन, तो आ भी वन है तो अपने को लै दे सिर्फ एच रह गया, तो एच आई है यानी कि वाई इज इक्वल टू वन, तो अपने को आप एच में मैक्सीमाइज करना. अच्छा अगर वाई इक्वल जीरो हो अपन रखते हैं तो आ हो गया जीरो, जो आ जीरो होया तो अपने को आ सारा वन हो गया, आ सारा वन हो गया, तो आ भी जीरो हो गया तो आ सारा वन होया, तो लै दे के अपने को आ गई टर्म वन माइनस एच, तो आप ये एच में मैक्सीमाइज करना, मतलब कोई आ टर्म आ गई फिर आ गया आते आ गए, मतलब तुम गल समझ ली कि जो प्रोडक्ट ऑफ दिस दीज टू टर्म्स इज सेम एज दीज टू सैपरेट टर्म्स. अच्छा हूँ जो लॉगरिथम हूँ तो इस गल का पता होएगा कि लॉगरिथम का परपज़ की है. द परपज ऑफ लॉगरिथम इज टू सिंपलीफाई द कंपटीशंस एंड कैलकुलेशंस. इतने हम पावर की गल्ला हो रही हैं तो आप यूजिंग द लॉगरिथम इन सिंपलीफाई कर लेंगे. एंड यू नो लॉगरिथम सिंपलीफाइज द पावर साइंस इन टू प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट साइंस इन टू एडिशंस. सो जो भाई साइट में लॉग लगाएंगे वो की बनेगा, लॉग इस पावर नू प्लस कन्वर्ट कर देगा, प्लस हो गया, एस पावर नू कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट विच, इधर आया वाई लॉग एच हो गया इन्ना, थले आया वन माइनस वाई लॉग वन माइनस एच हो गया. लो जी आ बढ़ गया ही कॉस फंक्शन. सर इन्नी अपने गल आ गई ना. हूँ उस तो बाद है कि ये आप इस पूरी टर्म इनक्रीज कर रहे हैं, जो आप इन इनक्रीज करा तो अपने को एक्यूरेसी बढ़ेगी, जो एक्यूरेसी बढ़ेगी तो एरर घटेगी. अगर आप एरर फंक्शन बना हो इस कॉन्सैप्ट का तो इतने लिखते हैं एरर, तो ये बार आप लाते हैं माइनस. गल समझ आई? यानी अगर आ सारी एक्यूरेसी आक्यूरेसी जिनी बढ़ेगी आ सारी तो एरर उन्नी घटेगी, तो माइनस लाता ना. जो अगर तुम समझिए तो मतलब इधर सेपरेट देखते, लेट्स से थोड़े को एक वैल्यू एक्स हैगी
एक्स को कह दिता अपने को एक्यूरेसी है, तो एक वैल्यू हैगी तेरे को वाई, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो सॉरी मैं वाई कह दिता कि अपने को एरर आ गया। हम जिन्ना ये एक्स वधेगा उन्नी एक्यूरेसी वधेगी, जिन्नी जिन्ना एक्स वधेगा तो उन्नी ही एरर घटेगी क्योंकि माइनस और माइनस हो गया ना। अगर एक्स जीरो आ तो एरर कितना है, एरर माइनस जीरो है। अगर एक्स थाउजेंड आ तो एरर माइनस थाउजेंड है, एरर होर घटेगा ना। और जिन्ना एक्स वधेगा उन्ना ही ड्यू टू दिस माइनस साइन एरर कम होएगा। यह होते अपने जो कि आप एरर नू मिनिमाइज करना, तो एरर नू मिनिमाइज करने वास्ते आप जी आ टर्म आनू वधाउण का मतलब आ, अगर माइनस में वधाउण का मतलब हैगा कि आ वैल्यू जी हैगी वध रही है, तो माइनस अब ओवरऑल फंक्शन घट रहा। बिकॉज तुम्हें पता ट्रेन में जब एरर नू मिनिमाइज करना, जब आप सारा एरर मिनिमाइज करा ड्यू टू मेजिस माइनस साइन, वो की करेगा इन्हों वधाउण की कोशिश करेगा ताकि ओवरऑल ये माइनस हो सके। बाकी जो एम हैगा बेसिकली जो एम लगे आ रहा, क्योंकि अपने को एम ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स होंगे, ये जी फॉर्मूला वा जस्ट इट इज़ फॉर सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल, सो टू टेक द एवरेज कॉस्ट और एवरेज एरर अपन एम से डिवाइड करते हैं। ये अपने को एरर फंक्शन, और नैक्स तुम्हें पता कि आप उस एरर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पैक्ट टू द इनपुट पैरामीटर जेडे कि अपने को थीटा नॉट और थीटा जीरो है। हम आप देखते हैं कि वो आप डेरिवेटिव कितना लेंगे। तो ये अपने को एरर फंक्शन है, तो एज जी इज इक्वल टू दिस है, तो एच है सिग्मा ऑफ जी है। आप कंप्यूट की करना, आप कंप्यूट करना है डी जे विथ डेरिवेटिव ऑफ एरर विथ रिस्पैक्ट टू theta naught and derivative of error with respect to theta 1। हम डायरेक्टली आप कंप्यूट ही कर सकते क्योंकि ये थीटा तो नहीं है इस एरर फंक्शन में ना, तो इस वास्ते आप करा आप यूजिंग द कॉन्सैप्ट ऑफ पार्शियल डेरीवेटिव एंड चेन रूल आप कुछ ट्राई करते हैं। जिदन तक चेन रूल आप कहते हैं डेरीवेट ऑफ जे रिस्पैक्ट टू डी थीटा डेरीवेट थीटा नॉट इज इक्वल टू डेरीवेट ऑफ जे रिस्पैक्ट टू एच, चूंकि एच इस जे है इन टू डेरीवेट ऑफ एच रिस्पैक्ट टू थीटा नॉट। यदि आप इतने की करा कहेंगे डी जे ओवर डी एच इज इक्वल टू डी एच ओवर डी थीटा वन। और आप इतना लाइन एक खिंचते हैं, तो पहले आप टर्म ला इतने कंप्यूट करते हैं, पहले कंप्यूट करते हैं डी एच ओवर डी थीटा नॉट। और एच की है इधर भी थीटा है नहीं, अगेन अपन चेन रूल यूज करना पड़ना, आप करते हैं डी एच ओवर डी जी इधर बस जीरो हिसाब डेरिवेट लेंगे तो सी आ पाया इन टू डी जी रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट। हम सिग्मॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव होंगे वो कह लो कि एक इफेक्ट हैगा, तुम नैट पर सर्च कर सकते हो, वो फिक्स वैल्यू है दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन इज एच इंटू वन माइनस एच आता है ना। तो हम डी जी ओवर डी थीटा नॉट की हैगा, यदा डेरिवेटिव लॉस जी का थीटा नॉट ना वो वन आ जाएगा, इतने वन लग गया सिंपली तो ऐना हो गया। हम डी एच ओवर डी थीटा वन अगेन यूजिंग चेन रूल डी एच ओवर डी जी इंटू डी जी ओवर डी थीटा वन, डी एच ओवर डी जी सेम आ ही आ गया एच इंटू वन माइनस एच। अच्छा थोड़ी पेंसिल का रंग ना काला कर लीजिए,
क्लियर हो जाएगा ना। लो जी ते हम डी जी ओवर डी थीटा वन इतने अगर थीटा वन का हिसाब लाइन डायरेक्ट लेंगे इस क्वेश्चन का अपने को जो कि थीटा वन एक्स लग गया तो अपने को एक्स एक्स आ जाएगा। लो जी ए एक्स हो गया। अच्छा ये अपने को डी एच ओवर डी थीटा वन इक्वल टू एच इंटू वन माइनस एच इंटू एक्स। हुण अपने को जनाब ए भी क्वेश्चन आ गई, ए भी क्वेश्चन आ गई। हुण डी जी ओवर डी एच रह गई। लो जी भी कंप्यूट कर लेते हैं। डी जे ओवर डी एच तो कंप्यूट करिए डायरेक्ट कंप्यूट हो जो कि अपने को एच आएगा। तो पता डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स वो फॉर्मूला अप्लाई कर दें जनाब। इतने वन ओवर एम नाल लगे रहेगा पहले बाहर कर ले वन ओवर एम माइनस वाला तो अंदर अपना जनाब वाई ओवर एच आ गया। इधर डेरिवेटिव आ गया इंटरम का तो इतनी वन माइनस वाई प्लस वन माइनस वाई ओवर वन माइनस एच आ गया। अच्छा हम इधर द्वारा तो लॉग का अगर याद होगा ना लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू वन ओवर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स और इधर डेरिवेटिव वन ही सके एच एच का नाल ही लगे। एक सेकंड कॉलम बच्चा आएंगे यार। ओके जी अब ठीक है कॉलम बच्चा आएंगे जनाब इधर सके। हाँ लो जी ए आ गया। हम डेरिवेटिव ऑफ लिया अपना इधर डेरिवेटिव लिया ना वन माइनस एच का एस टर्म का वो आ गया वन माइनस वाई ओवर वन माइनस एच तो दोबारा डेरिवेटिव लिया ना एस टर्म का इधर दोबारा डेरिवेटिव लिया वो हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा इतने पर लाता माइनस वन लाता। हम माइनस वन अगर तुरता जाएगा अपने खत्म करने वास्ते इन्हें मल्टीप्लाई अगर करिए तो वाई प्लस हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो वन नैगेटिव हो जाएगा अपने रिवर्स करने हैं साइन अंदर साइन रिवर्स कर दें अपने इतों जाँच चलाने इतों। लो जी ये अपना इतों इन्हें चुके इतों अरेज करता तो जनाब अब वाई पॉजिटिव हो गया वन माइनस नैगेटिव हो गया ये वाई वाई माइनस नैगेटिव हो वाई माइनस वन हो गया है। लो जी ये भी मटाने इतों हो गया वाई माइनस वन। लो जी ते ओके जी ओके 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 इधर आ गए और किधर आ गया ठीक हो गया। और अपन जरा थोड़ा यार फ्रैक्शन दी रिश्ते कल से की थी फिफ्थ क्लास में माइनस वन ओवर एम एस एम जरा खत्म माइनस भी खत्म कराएंगे बहुत जरा ये आ गया अपने को एच इनटू वन माइनस एच ते एच एच कॉमन हो गया फाइव इंटू वन माइनस एच प्लस हाँ दोनों कॉमन हो गए एच इंटू वाई माइनस लो जी अपने को ए आ गई टर्म आ गई। इस तो बाद आप इन सिंपलीफाई कर दें फर्दर माइनस वन ओवर एम ते अंदर गया एच वन माइनस एच ते आ हो गया वाई इंटू ए वाई हो गया माइनस वाई एच हो गया प्लस एच वाई हो गया माइनस एच हो गया। इतना जनाब एक कैंसल हो गया ये हो गया वाई माइनस एच रह गया पीछे ते ओवर एच इंटू वन माइनस एच और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन उल्ट हो जाएंगे अपने को हो जाएगा वन ओवर एम इंटू अंदर की जाएगा वाई माइनस एच या माइनस अंदर साइन में मल्टीप्लाई किया वो एच माइनस वाई हो गया ओवर एच इंटू वन माइनस एच। लो जी
और हिसाब से देखो तो अपने को इक्वेशन बन गई वो डी जी ओवर डी एच दी। हम आप यही इक्वेशन तो आ सारी इक्वेशन चुके पुट करते हैं और पहले आप कंप्यूट करते हैं डी जे ओवर डी थीटा डॉट डी जे ओवर डी एच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर m इंटू एच माइनस वाई अंडर एच इंटू 1 माइनस h। न्यू क्वेश्चन आ गई तो इंटू आर डी एच ओवर डी थीटा नॉट ये की है डी एच ओवर डी थीटा नॉट है एच इंटू 1 माइनस h। और ये जनाब आ हो गया कैंसल तो अपने को आंसर की आ गया वो आ गया 1 ओवर m इंटू एच माइनस वाई। ये आंसर आ गया फॉर डी जे ओवर डी थीटा नॉट। हमने देखे अगर अब पुट करते हैं 1 ओवर m एच माइनस वाई ओवर एच इंटू 1 माइनस h इंटू डी जे ओवर डी थीटा नॉट वो हैगा एच इंटू 1 माइनस h इंटू एक्स। ये सारा हो गया कैंसल तो अपने को पिछले रह गया बच बचा के 1 ओवर m एच माइनस वाई इंटू एक्स। लो जी दिस इज डी जे ओवर डी थीटा नॉट। तो लो जी अपने को आ गई क्वेश्चन आ गई डी जे ओवर डी थीटा नॉट। आड़ी क्वेश्चन हैगी डी जे ओवर डी थीटा वा। बाकी ये अपने को कह लो कि फाइनल लर्निंग क्वेश्चन आ गई हम ये थ्रू आप मॉडल ट्रेन करेंगे तो थीटा जो है ऑटोमैटिकली उस पॉइंट से कन्वर्ट हो जाएंगे इतने एरर या कॉस्ट घट तो घट होगा मिनीमाइज हो जाएगा। तो अगले लैक्चर आप ट्राई करते हैं कि आप कोई एग्जाम्पल लैके यूजिंग MS Excel या कह लो कि पाइथन या मैटलैब कुछ भी आप टूल यूज करते हुए अब इन्होंने सिमुलेट करेंगे कितना आप मॉडल ट्रेन कर सकते हैं फॉर सम ट्रेनिंग डेटा यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो उदू तक रब रखा।